2024 में अगस्त का महीना शुरू होते ही बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। बुध ग्रह सूर्य की सिंह राशि में वक्रीय होंगे, जिससे राशि चक्र की बहुत सी राशियों पर इसका शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ेगा। जहां इन राशियों के जातकों को विशेष उपाय करने होंगे, तो वहीं बुध ग्रह इनको मान सम्मान, धन दौलत आदि सभी प्रदान करेगा। बुध ग्रह के वक्रीय होने को लेकर क्या कहते हैं हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित शशांक शेखर शर्मा, सुनिए। जैसे मैं पहले भी बताया है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो जिसकी जन्म कुंडली में वो ग्रह वक्री है तो उस समय उसको ज़्यादा लाभ मिलता है उस व्यक्ति को। वो तो निर्भर करता है आपकी कुंडली में बुध वक्री है या नहीं। और दूसरी बात, अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो बुध राशि स्वामी बनता है मिथुन और कन्या का, तो निश्चित रूप से इन राशि वालों को तो इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव अच्छा बुरा दोनों चीज़ें निर्भर करती हैं कुंडली पर, लेकिन अगर कुछ सामान्य बातें कर ली जाएँ जो सभी पर प्रभावित होंगी वो क्या होंगी, मिथुन राशि का स्वामी बुध सिंह राशि में जब प्रवेश करेंगे तो आपको, क्योंकि मिथुन राशि से तृतीय स्थान पर सिंह राशि है, बुध अस्त भी रहेंगे, यानी कि आपका जो आप जिस कार्य में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, वहाँ कहीं ना कहीं आपका जो प्रभाव है वो कम होता हुआ नज़र आएगा, या फिर किसी न किसी वजह से आपकी इमेज डाउन हो सकती है, आप पर कोई एलिगेशन लग सकता है, आप पर कोई इल्ज़ाम लग सकता है जो जिसमें आपकी कोई गलती ना हो और आपको वो भुगतना पड़े। तो बुध आपका लग्नेश है, आपके शरीर का स्वामी है, आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है बुध कन्या राशि का भी और मिथुन राशि का भी, तो इस समय वो वक्री होगा तो आपको जिस तरह के परिणाम आपने कभी सोचे नहीं होंगे वो परिणाम देगा। अच्छे क्या परिणाम मिल सकते हैं इसमें, यदि कन्या राशि के स्वामी बुध जैसे कि अपने से 12वें में गोचर करेंगे तो आपके विदेश यात्रा के योग बनेंगे और विदेश यात्रा वो शुभ रहेगी, आपके करियर से संबंधित रहेगी। और मिथुन राशि वालों के लिए भाई बहन से संबंध अच्छे होंगे। अब आने वाले मास में बुध वक्री है, बुध कारक बहनों का भी होता है और आपकी रिश्तेदारी में जो बुआ होती है उनका भी कारक बुध होता है, तो रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो मिथुन राशि वालों के लिए और कन्या राशि वालों के लिए विशेष लाभकारी त्यौहार रहेगा, क्योंकि बहन का कारक बुध है जो वक्री है, तो बहन से कुछ जो आपने उम्मीद नहीं की होगी उस तरह का कुछ आपको व्यवहार उनसे देखने को मिल जाए, या उस तरह का कुछ आपको गिफ्ट बहन के द्वारा मिल जाए और बहन से रिश्ते मधुर होने का ये योग है। तो अगर रक्षाबंधन को देखते हुए हम बात करें तो मिथुन राशि और कन्या राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है ये त्यौहार और बहनों से संबंध उनके बहुत मधुर होंगे।